हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं प्रोफिट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कटिंग का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बात किया था कि कटिंग वाले सस्ता माल कैसे बेचते हैं। ये वीडियो अभी तक 8,000 से ऊपर लोगों ने देखा, इसमें बहुत सारे कमेंट आए कि हम कटिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इस पर सर वीडियो बनाई। कमेंट आप देख सकते हैं, और आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो अब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे चैनल पे तो है ही, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज की वीडियो, जैसे कि मैंने बताया कि कटिंग का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे। कटिंग का बिजनेस होता क्या है, पहली चीज़ ये हम समझते हैं। जैसे ये एक पेन है जिसकी मैं एक कंपनी हूँ, मैंने इसे ₹5 में तैयार किया। पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए, ठीक। अब मैं इसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को ₹6 में बेच दिया। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर को 7 और रिटेलर को ₹8 में दिया, और ₹10 इसकी MRP, यानी कि ₹6 में डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ा, आपके बाजार के डिस्ट्रीब्यूटर को इसने ₹6 में पड़ा। उसने होलसेलर जो होलसेल में लिया उसको ₹7 में दे दिया, जो रिटेल यानी फुटकर बेचता उसे ₹8 में दे दिया। अब होलसेलर भी अगर रिटेलर को देगा तो वो भी ₹8 में दे दिया, इससे रेट बराबर रहेगा, चाहे वो होलसेलर से ले चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक। यही होता है। अब भाई कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि भाई रिटेलर अगर पेटी में लिया तो 7.5 में दे दिया, ठीक, 50 पैसे कम करके, तो अब होलसेलर 8 में देता तो इसने 7.5 में दे दिया। बस यही सारी चीज़ें होती। अब इसमें आप कटिंग कैसे करते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कटिंग उसी प्रोडक्ट का होता है जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। भाई उसी का तो लोग कटिंग करेंगे, जो बिकी नहीं रहा है उसकी कौन कटिंग करने जाएगा, वो तो खुद ही मतलब झेल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो कटिंग हम उसी प्रोडक्ट की करते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ब्रांड है, बहुत ज़्यादा सेल है, इतना सेल है कि लोग मतलब 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे मार्जिन पे भी बेच देते हैं। यहाँ तक कि 600, 1,000 का प्रोडक्ट ₹5, ₹10 मार्जिन पे बिकता है मार्केट में, किराना होल सेल बिजनेस या रिटेल बिजनेस। आप सभी लोग बिजनेस अगर करते होंगे तो जानते होंगे, और नहीं करते होंगे तो जान जाइए, ठीक है। क्योंकि पार्ले की जो पेटी आती है उस पर 10-20 रुपये से ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। 600-700 की पेटी पे 10 रुपये, 5 रुपये पे लोग धंधा करते हैं, बताइए। माचिस की पेटी पे 10-5 रुपये पे पूरा धंधा होता है, 400-500 रुपये पेटी पे, मतलब 400 रुपये, 500 रुपये माचिस की पेटी आती है, जो भी आए 10-5 रुपये बचता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जिसकी वैल्यू मतलब 500 से 1,000 के बीच में है, जो 10-20 रुपये मार्जिन पे ही बिक जाता है। अब आप सोचिए, बहुत कम मार्जिन होता है, ठीक है, होल सेल में। तो अब कोई कटर आया और उसने मुझसे कहा कि ये प्रोडक्ट मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा और सिर्फ यही प्रोडक्ट चाहिए। अब समस्या क्या है कि एजेंसी वाला क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसको एजेंसी मिला है तो ये एलकॉस की कलम है, तो एलकॉस के सारे आइटम मैं दूंगा। इसकी पेंसिल आती होगी तो पेंसिल दूंगा, रबड़ दूंगा, कटर दूंगा, जितने पेन आते हैं, जितने वैरायटी के पेन आते हैं, सब वैरायटी का उसको मैं दूंगा, जितने नए प्रोडक्ट हैं वो भी दूंगा। तो उसको तो 10 लाख रुपए में सब प्रोडक्ट चाहिए। भाई कंपनी ने एजेंसी दिया है, अथॉराइज एजेंसी दिया है, आपको एरिया दिया है, ठीक है। मैंने कहा कंपनी से, भैया मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा लेकिन एलकॉस की यही वाली कलम मुझे चाहिए, ठीक है, 5 रुपए में मैंने तैयार किया है। उसने कहा मेरे को 5.5 रुपए या 5.20 रुपए मैं दूंगा, ठीक है। कंपनी ने कहा चलो यार, तुम 10 लाख रुपए दे रहे हो, चलो 5.20 रुपए दो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर से कितना सस्ते में खरीदा, 80 पैसा ये कलम सस्ता खरीदा। अब वो मार्केट में 6 रुपए में भी अगर किसी होलसेलर को दे दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर परेशान कि भैया 6 रुपए में तो मैं खरीदा हूँ और 6 रुपए में बेच दे रहा है कैसे। अब वो भी परेशान, चलो अच्छा 6 रुपए में नहीं, अगर वो जो कटर है वो थोड़ा चलाक है तो वो 6.20 रुपए में बेच दिया, यानी 1 रुपया मुनाफा किया, क्योंकि 80 पैसा 5.20 रुपए में उसको पड़ा है और 6.20 रुपए में वो बेच दे रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर को 6 रुपए पड़ा है। समझिएगा बात को थोड़ा, ठीक है, नहीं समझ में आए तो थोड़ा रिवर्स कर लीजिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक है। तो वो 1 रुपए, अब डिस्ट्रीब्यूटर सोचेगा अरे यार ये 20 पैसे पे कौन धंधा करके चला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर परेशान। अब अच्छा, होलसेलर और रिटेलर को क्या चाहिए, उसको सस्ता मिल गया नगद माल उठाना, क्योंकि कटिंग जो कर रहा है उसको नगद पैसा चाहिए, वो कोई उधार तो देता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ उधार भी चल जाता है क्योंकि वो लोकल में बैठा होता है, 10-5 होलसेलर हैं आपके मार्केट में, 20-25 रिटेलर हैं, उन्हीं को आपको बेचना है तो आप उधार भी बेचते हैं, क्रेडिट चलती है हर मार्केट में चलती है, ठीक है। अब बहुत ख़राब क्रेडिट होगी तो उसको तो कोई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में।
तो कटर जो है वो अलग अलग रेट बेचेगा। जैसे भाई कोई हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर किसी को 7 की जगह 7.5 देता हो होलसेलर कोई, कि भाई 8 में तुम बेच देना 50 पैसे रख। अब भैया वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे कटर गया, कितने खरीदते हो, उसने कहा 7.5, मुझसे 7 में ले लो। अब भैया उसका भी मजा हो गया क्योंकि उसने 5 रुपये 20 पैसे में खरीदा है और 7 रुपये में बेच दिया। अब एजेंसी वाला आया, कहा अरे होलसेलर ने पूछा यार आप 7.5 में देते हो, मैंने 7 में खरीदा, तो वो कहेगा चलो भैया 6 रुपये 80 पैसा लगा दे रहा हूँ। समझ पा रहे हैं बात। अब वो कटिंग कटर आया, उसने कहा यार 6 रुपये 80 पैसा, उसने कहा चलो मैं 6.5 में तेरे को दे रहा हूँ। तो इस तरीके से होता है लड़ाई बहुत सारे प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि कटर के पास ऑप्शन है, वो खरीद रेट पे भी बेच सकता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे बेच के पैसा तुरंत लेना है और दूसरा प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, तो वो 6 रुपये में भी बेचता है तो भी उसे 20 पैसे की प्रॉफिट होती है। तो ये होता है कटिंग। अब बात करेंगे कटिंग का बिजनेस आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने कटिंग समझ लिया, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा एग्जांपल दे के मैंने समझाया क्योंकि आपको पहले समझ में आ जाए। अब आप बिजनेस को स्टार्ट, कटिंग स्टार्ट कैसे करता है, वो कंपनी से टाई अप होता है, वेंडर से खरीदता है या सुपर स्टॉकिस्ट से खरीदता है, ठीक है। अब कटिंग भी बहुत तरीके से होता है। अब कटिंग करने के लिए आपके पास पैसे होने बहुत ज़रूरी है, पैसे आपके पास होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख में कटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोडक्ट की कटिंग करते हैं, कौन सी कंपनी का करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका कितना पैसा लगेगा। जैसे छोटी मोटी कंपनी का करते हैं जो बस आपके क्षेत्र में ही बिकती होगी, तो 1,50,000 का माल उठा लोगे, कटिंग कर देंगे आप। सुपर से उठा लिया या कंपनी से उठा लिया आपने, ठीक है, कंपनी भी दे देती है क्योंकि उसको अपना माल बेचने से मतलब है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर को भाई कमाना है। आज के डेट में बिजनेस में लोग क्या है, कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी भी मजबूरी बढ़ रही है, छोड़ेगा थोड़ी ना, ठीक है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, और लेने वाले भी बहुत हैं, बहुत लोग हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, कोई एक एजेंसी वाला थोड़ी ना सबको दे पाएगा। तो बहुत तरीका है दोस्त, ठीक है, तो इस तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंपनी से या फिर सुपर का काम अगर आपके ज़िले में किसी ने लिया है तो उससे कॉन्टैक्ट बनाइए, ठीक है। वो क्या करता है ना कि आप नगद उसको खुद गाड़ी लेके जाते हो, खरीदते हो, तो वो थोड़ा सा मार्जिन पे भी दे देता है लालच में कि अरे यार 2-4 लाख अभी खाली हो जा रहा है, चलो इसको दे दो, ठीक है, ये होता है। कंपनी से बात आपने कर लिया, कंपनी को जैसे मैंने आपको बता ही दिया भाई उसको 10 लाख 5 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट का मिल रहा है तो दे दिया, उसमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है, थोड़ी पहचान के लोग रहते हैं तो आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप जाके खड़े होके कंपनी के मालिक से कहेंगे तो कंपनी का मालिक थोड़ी तैयार होगा, ठीक है, अगर एक ब्रांड कंपनी एक बड़ी कंपनी है तो उसमें घुसते हैं लोग, किसी ना किसी रास्ते से घुसते हैं और जुगाड़ पानी लगा के कटिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ कंपनी जब माल नहीं बिकती है तो क्योंकि वो कटर उसको बहुत साथ देता है, कंपनी का कुछ माल नहीं बिकता है तो वो कहती है भाई देखो ये माल बिक नहीं रहा है और 1 साल या 6 महीने एक्सपायरी बचा है, इतना रेट का दूंगा, कटिंग वाला उठा लेता है क्योंकि उसको सस्ता मिल गया और सस्ता बेच देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी देती नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से उसे वापस भी लेना पड़ेगा एक्सपायरी तक, और उस कटर से एक्सपायरी तो वापस नहीं लेगी कंपनी क्योंकि वो पूरा बता देगी भाई लेके गए तो काम खत्म, ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटर भाई वो डैमेज बनाएगा, वापसी भी करेगा तो उसको कंपनी नहीं देगी फिर, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे स्टार्ट करते हैं और कटिंग का जो सस्ता सामान कैसे उठाता है, कैसे बेच पाता है, ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो अगर इन सारी चीज़ों में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो या फिर वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ तो मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और समझ में आई तो यार कमेंट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।